कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के शमसी में कांग्रेस पार्टी ने विशाल चुनावी रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंडी लोकसभा क्षेत्र से ही कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत की। कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह का स्वागत किया। इसके बाद भुंतर एयरपोर्ट से लेकर शमसी तक 4 किलोमीटर रोड शो निकाला गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आएगी और जाएगी, लेकिन जो गरीब और किसानों और महिलाओं की भावना के साथ खिलवाड़ करेगी उसको सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर बार बार कह रहे हैं कि 4 जून को हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में भाजपा के नेताओं का गणित कमजोर है, अगर उपचुनाव में सभी सीटें बीजेपी जीतेगी तब भी भाजपा अल्पमत में ही रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, सच्चाई की जीत होनी चाहिए, न्याय की जीत होनी चाहिए, धर्म की जीत होनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सरकारें आती है सरकारें जाती है, पर गरीब और किसान और महिला की भावना को जो लोग खींचते हैं, ऐसे लोगों को समक्ष करने का वक्त आ चुका है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए, आप हमारी सरकार के लिए वोट नहीं डाल रहे हैं, हम तो 3.5 साल के लिए बने हैं, आप उस लोकतंत्र के लिए वोट डाल रहे हैं, जो लोकतंत्र का वोट का अधिकार आपको हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ 75 साल पहले इस कांग्रेस पार्टी ने दिया, उस वोट का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। नई प्रकार की प्रथा लेकर उस वोट को फेरने की कोशिश की जाती है, पैसा काफी है लेकिन गरीब की हाँ बहुत बुरी होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उन्होंने हमारी 1 राज्यसभा की सीट चुराई है, हिमाचल प्रदेश का जनता का दल बल उन्हें 4 लोकसभा सीटों में हराएगा, तो क्या हराओगे कि नहीं हराओगे? पक्का रहेंगे, फोन भी करेंगे अपने रिश्तेदारों को? ये सवाल इसका है कि जो लोग हिमाचल की संस्कृति को खराब कर रहे हैं उन लोगों को सबक सिखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आपदा आई हिमाचल के लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता 9,000 करोड़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ खड़े नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल के अधिकारों को हनन करते रहे और लोकतंत्र को खीनने की कोशिश करते रहे, ऐसे लोगों को सबक सिखाना। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कुल्लू जिला के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे भी ये भेदभाव विकास कार्य में हो रहा हो, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हो रहा हो, इसका जवाब भाजपा के नेताओं को और जयराम ठाकुर को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहां से पूर्व में सांसद रहे, विधायक रहे राजा महेश्वर सिंह का टिकट क्यों काटा गया, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को कुल्लू के लोगों को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा कुल्लू के नेताओं का राजनीतिक पतन किया जा रहा है। एक बात यहां पे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये जो भेदभाव कुल्लू जिले के साथ लगातार हो रहा है, चाहे विकास कार्यों में हो रहा है, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से हो रहा है, ये जवाब आज कुल्लू के भाजपा के नेताओं को जयराम जी को देना पड़ेगा कि जब यहां से जो हमारे पूर्व में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं राजा महेश्वर सिंह जी, उनका टिकट क्यों काटा गया, ये जवाबदेही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कुल्लू के लोगों को देनी पड़ेगी। क्योंकि हर बारी जो ये राजनीतिक पतन कुल्लू के नेताओं की करने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका अगर मैं फिल्मी रूप में जवाब दूं तो करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा चुनावों में, इसका मजबूत जवाब मिलेगा। और जिस तरीके से देव नीति का, जिस तरीके से देव समाज का ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेत्री रोज अपमान कर रहे हैं,
कुल्लू में देव सदन किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। मंडी में देव सदन किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया। आज हम सब देव सनातनी हैं, हम सब देव समाज को मानने वाले हैं। ये बात कहने की नहीं है, मगर क्योंकि इन्होंने विवश कर दिया है कहने पे, इसलिए मैं खुले मन से ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को यहां से टिकट दिया है जो रोज हमारे देव समाज का जो है वो तिरस्कार कर रही है। जिस तरीके से एक गौ मांस खाने वाले को टिकट दिया गया है, ये हमारी देव नीति के विरुद्ध है। आप क्या इसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। ये हमारे देव संस्कृति, हमारे देव परंपरा, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ एक जो है ये एक युद्ध जो इन्होंने छेड़ा है, इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से हमारे लोगों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है, आज जिस तरीके से हमारे लोगों को जो है बगलाने की कोशिश करी जा रही है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पिछले कल ही जो भाजपा की प्रत्याशी है, उन्होंने जंजैली में ये मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि अगर मैं जीत भी जाती हूं, मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ूंगी। हालांकि उनकी सारी की सारी पिछले 10 फिल्में जो है बुरी तरीके से पिट चुकी है, मगर फिर भी वापस मुंबई जाना चाहती हैं। ये आपने निर्णय लेना है कि आपको एक महीने का, 2 महीने का अभिनेत्री चाहिए या एक समर्पित नेतृत्व चाहिए।